दोस्तों, हमारे देश में सभी पार्टियां पाक साफ होने की बातें जरूर करती हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं उस वक्त कई ऐसे चेहरे विधानसभा और लोकसभा तक पहुंच जाते हैं जिनके दामन पर कई संगीन अपराधों के दाग लगे होते हैं। यही वजह है कि राजनीति में अपराध जगत की दूती बोलती है। हम आज आपको यूपी के इन्हीं अपराध के बेताज बादशाहों के बारे में बताएंगे। इनमें से जिसके बारे में आप और डिटेल से जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखें। मुख्तार अंसारी, इस चेहरे को कौन नहीं पहचानता। एक माफिया डॉन होने के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनेता भी हैं। इन्हें सूबे का बाहुबली नेता कहा जाता है। दबंगई के मामले में इनका कोई सानी नहीं है। मऊ विधानसभा क्षेत्र से ये 5 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। 2010 में इन्हें आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण बहुजन समाज पार्टी ने पार्टी से निष्कासित भी कर दिया था, लेकिन फिर बाद में इन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। फिलहाल ये जेल में बंद है, लेकिन यूपी में अपने पैर जमाने वाली पार्टियां इनके चक्कर में जेल के परिक्रमा कर रही हैं। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। रघुराज प्रताप सिंह के नाम से भले ही लोग कम वाकिफ हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में राजा भैया का नाम सब जानते हैं। उनका नाम एक बाहुबली नेता के तौर पर लिया जाता है। राजा भैया पर छोटे मोटे आदमी का नहीं बल्कि डीएसपी जिलाउर हक की हत्या का आरोप है। इसके साथ ही राजा भैया पर और भी हत्याओं के आरोप हैं। उनके पैतृक निवास प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के बारे में कहा जाता था कि राज्य सरकार की सीमाएं यहां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वहां उनका अपना ही राज चलता था। अमरमणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली राजनेताओं में गिना जाता है। उन्हें दल बदलू नेता के तौर पर भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई पार्टियों का दामन थामा। अमरमणि त्रिपाठी पर हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल वो कवयित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अतीक अहमद को एक खतरनाक बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लोकसभा सीट फूलपुर से सांसद रह चुके हैं। उन पर हत्या की कोशिश, अपहरण, हत्या के करीब 42 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। राजनीति में आने के बाद भी ये आज तक अपराध की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाए हैं। हरिशंकर तिवारी। सीएम योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र गोरखपुर के रहने वाले हरिशंकर तिवारी सूबे के एक कुख्यात बाहुबली नेता हैं। रेलवे से लेकर पीडब्ल्यूडी की ठेकेदारी तक में इनका कब्जा है। इनके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, फिरौती और अपहरण के 25 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जाता है कि हरिशंकर तिवारी जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले उत्तर प्रदेश के पहले नेता हैं। इनके बाद कई और बाहुबलियों ने भी जेल से चुनाव जीता। पूरी उम्मीद है कि इस बार भी यूपी की राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा देखेगा। कई इस बार भी मैदान में होंगे। तो आप भी किसी बाहुबली के बारे में जानते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें।